बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं, मज़े मज़े की, बहुत ही फ्रेश। आज मैं बना रही हूँ शलगम की सब्ज़ी, बहुत ही मज़े की बनती है। शलगम का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चाहे तो आप शलगम को पकाएं गोश्त के साथ, चाहे तरकारी बनाएं, या फिर जब आप मिक्स वेजिटेबल बनाएं तो इसमें शलगम का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये एक बेहतरीन सब्ज़ी है। तो आइए आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, उसमें हम 1 टेबलस्पून भर के लेंगे ज़ीरा, जो हम डालेंगे ऑयल के अंदर। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाएगा, आपने एक बड़ा प्याज स्लाइस करके काटना है और उसमें शामिल कर देना है। प्याज को आपने थोड़ा सा नरम करना है, पिंक की तरफ लाना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, पिंक की तरफ आएगा, आपने इसमें शामिल करना है 4 अदद टमाटर, जिसका मैंने छिलका उतार लिया था। 4 हरी मिर्चें डालनी है, 1 टेबलस्पून नमक लेना है, 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर लेना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसको शामिल कर देना ऑयल के अंदर, अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, या फिर आप चॉप करके इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल किया था ज़ीरा, साथ में आप इसमें शामिल करना चाहें कड़ी पत्ता तो वो भी आप भगार में डाल सकते हैं। पानी आपने डालना है तकरीबन 1 गिलास और टमाटर को गलने के लिए रख देना है। ढकना ढकना है, धीमी आंच करनी है और इसको छोड़ देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट बाद आप जब लिड हटाएंगे तो आपके टमाटर जो है वो गलने की तरफ आएंगे। आपने चमचे की मदद से इसको मैश करना है, मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए और मसाला आपका अलग नज़र आए। जब आपको खुशबू आने लगे मसाला भुनने की, तेल अलग हो गया, तो आपने इसमें शामिल कर देना है शलगम 1 किलो, जो कि मैंने धो के छिलका उतार के अच्छे से काट लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, मसाले के अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा और शामिल कर देंगे गलने के लिए थोड़ा पानी। अब आप इसको कवर कीजिएगा और धीमी धीमी आंच पे शलगम को पकने दीजिएगा। शलगम का अपना भी पानी होता है जिसमें वो अच्छे से गल जाएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब आप लिड हटाएंगे तो आपकी शलगम जो है वो जी हाँ गल चुकी होगी। जैसी शलगम आपकी गलेगी तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्च आपको कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा और हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दीजिएगा जिससे इसका जायका और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ या उबले हुए चावलों के साथ आप खाएंगे तो वाह वाह वल्ला मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं बेशुमार। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।